स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। टुडे आई विल टीच यू यूनिट 6 एक्सरसाइज 6F। डियर स्टूडेंट, येस्टरडे वी हैड कंप्लीटेड अंटिल क्वेश्चन नंबर 3। टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक्स सो दैट द स्टेटमेंट आर ट्रू। हमें फिल करने हैं ब्लैंक्स को ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको एड द फ्रैक्शन सिखाया था, तो ऊपर वाले को क्या करेंगे हम, प्लस 2 प्लस 5 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा, और नीचे 9 का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 9, यही आता था इसका आंसर। तो हम इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। ठीक है, आपने ऐड द फ्रैक्शन सीख लिया, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए बहुत ईजी हैं। उसके बाद देखिए इसने क्या किया, 2 अपॉन में 15 प्लस 4 अपॉन में 15 प्लस 7 अपॉन में 15, इन का इसने क्या करा है, इन पूरों को ऐड करके दे दिया है इसने 13। अब नीचे क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बताओ, हम 15 का हम एलसीएम निकालते हैं, जब तीनों में एलसीएम सेम होता है तो हमारा क्या आता है, सेम ही आता है, तो हमारा क्या आएगा, 15। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 15। ओके, इसमें देखो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 2 अपॉन में 21, 5 अपॉन में 21, 7 अपॉन में 21, इन तीनों को प्लस करना है। ठीक है, तो ऊपर वाले डिजिट को हम प्लस कर देते हैं, गलती से नीचे वाले डिजिट को भी प्लस करके मत लिख देना है, नीचे वाला हमारा एलसीएम निकलता है। ठीक है, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इस चीज़ की, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसका हमारे जो नीचे वाली डिजिट है इसका हम एलसीएम निकालते हैं ऐसे करके। ठीक है, और ये वाली डिजिट हम प्लस करते हैं, तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7, 7, 7 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो हम इस ऐसे ही तो प्लस करके लिखते हैं, तो हम इसका प्लस कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 14, और यहाँ क्या आ जाएगा, 21। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा वर्ड प्रॉब्लम का सम है, ध्यान से पढ़िएगा क्या कहता है। रमन स्पेंट 1/3 ऑफ हिज पॉकेट मनी फॉर बाइंग चॉकलेट। कहता है रमन खर्च करता है 1/3 अपनी पॉकेट का चॉकलेट खरीदने के लिए, एंड 1/3 ऑफ हिज मनी ऑन बिस्किट, और 1/3 किसके लिए खर्च करता है, बिस्किट के लिए। व्हाट पार्ट ऑफ मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, तो बताइए वह अपनी मनी का कितने पैसे खर्च करता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपने एक चॉकलेट खरीदी 5 रुपीज़ की, ठीक है, और आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा 10 रुपीज़ का, तो बताइए आपने कितने पैसे खर्च करे, तो आप क्या बताओगे, मैम 5 का चॉकलेट और 10 का बिस्किट, टोटल हो गए 15 रुपीज़, मैंने 15 रुपीज़ खर्च करे हैं। ऐसे ही अब ये इसने क्वेश्चन पूछा है, बट इसने जो दिया है वो फ्रैक्शन इसमें दी है, तो हम कोई बात नहीं, आपको ऐड द फ्रैक्शन तो बहुत अच्छी तरीके से आती है, हम इसको ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, रमन स्पेंट फॉर बाइंग चॉकलेट, रमन चॉकलेट खरीदने के लिए खर्च करता है 1/3, और फिर किसके लिए खर्च करता है, बिस्कुट के लिए भी कितने करता है, सेम खर्च करता है 1/3। तो हम क्या कर देंगे, कितने पैसे खर्च करें, इनको ऐड कर देंगे, ऐड करना आपको आता है, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 3, तो ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस 1। ओके, अब इनको प्लस कर देंगे 2/3, तो वो कितने पैसे खर्च करता है, टोटल 2/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन, कासिम गेव 2/5 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। ठीक है, कासिम अपनी वाइफ को अपनी प्रॉपर्टी में से कितना देता है, 2/5। ठीक है, और 1/5 टू हिज सन, और 1/5 देता है अपने बेटे को, एंड 1/5 टू हिज डॉटर, और वो अपनी बेटी को देता है। तो कहता है व्हाट पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी कासिम गेव अवे, तो बताइए उसने अपनी प्रॉपर्टी का कितना भाग दे दिया। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैंने, जैसे 3 बच्चे हो आप, ठीक है, 3rd क्लास में, एक रश्मि, ठीक है, एक गौरव और एक सौरव। ओके, तो मैंने पहले गौरव को दिए 5 रुपीज़, फिर सौरव को दिए मैंने 10 रुपीज़, और फिर मैंने रश्मि को दिए 5 रुपीज़। अब बताइए मैंने तीनों को कितने पैसे दे दिए, तो आप क्या, हम क्या करेंगे, तीनों के पैसों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो पैसे आ जाएंगे। ऐसे ही ये कहता है इसने अपनी प्रॉपर्टी दे दी, अब हम तीनों की प्रॉपर्टी को ऐड कर देंगे, बता देंगे उसने कितनी प्रॉपर्टी दी है। क्या है, कासिम गे प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, कासिम प्रॉपर्टी देता है अपनी वाइफ को 2/5, फिर वो अपने सन को देता है, कासिम गेव प्रॉपर्टी टू हिज सन 1/5, फिर कासिम गेव प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर, अपनी बेटी को देता है, फिर उसके बाद वो कितनी देता है वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, 5 है 5 है 5 है, नीचे में देखो सेम है, तो सेम वो आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, 5 LCM आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाली चीज क्या आएगी, 2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो हम तीनों को क्या कर देंगे, प्लस
टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर, फोर अपॉन में फाइव। तो उसने अपनी प्रॉपर्टी का कितना भाग दिया है, फोर अपॉन में फाइव। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन खुद करना है क्योंकि सेम इन्हीं क्वेश्चनों की तरह है। ठीक है, मैं आपको कराती हूँ सीधा नाइन्थ क्वेश्चन। क्या कहता है, वन अपॉन में टेंथ ऑफ माई इनकम वॉज स्पेंट ऑन रेंट। कहता है वन अपॉन में टेंथ जो पार्ट है मेरी इनकम का वो रेंट पर खर्च होता है, मीन्स किराए पर खर्च होता है। अनदर वन अपॉन में टेंथ ऑन एजुकेशन, और जो वन अपॉन में टेंथ है वो किस पर खर्च होता है, एजुकेशन पे। ठीक है, एंड पढ़ाई पर मीन्स, एंड वन अपॉन में टेंथ ऑन कन्वेंस, और वन अपॉन में टेंथ खर्च होता है कन्वेंस पे। कन्वेंस क्या होता है, जैसे आप बस से आते जाते हो जो उसके किराया देते हो ना, उसे कन्वेंस बोलते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ इनकम वाज स्पेंट दीज थ्री आइटम्स, तो कहता है बताइए मेरी इनकम का तीनों पार्ट्स पर कितने पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, तो हम तीनों का बता देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपसे क्वेश्चन एक पुट करती हूँ कि मेरे जो पैसे हैं वो पाँच रुपये तो उस पर खर्च होते हैं चॉकलेट्स पे खरीदने पे। ठीक है, और 10 रुपीज़ बिस्कुट खरीदने पे होते हैं। ठीक है, और फिर 5 रुपीज़ मेरा एक पेंसिल खरीदने पे होते हैं। तो बताइए मेरे टोटल कितने पैसे खर्च हो गए। तो क्या करेंगे, पेंसिल बिस्किट और चॉकलेट के पैसों को ऐड कर देंगे तो हमारे पैसे खर्च हुए बता देंगे। ऐसे ही अभी इसने फ्रैक्शन में दे दिया है, हम क्या लिखेंगे, इनकम स्पेंट ऑन रेंट, इनकम पर खर्च होते हैं, सॉरी इनकम रेंट पर खर्च होती है कितनी, वन अपॉन में टेंथ। फिर उसके बाद एजुकेशन पे खर्च होती है वन अपॉन में टेंथ, और उसके बाद कन्वेंस पे खर्च होती है वन अपॉन में टेंथ। तीनों में देखो सेम दे रखा है, तो बहुत इजी है ऐड करना। तो क्या करेंगे अब, तीस थ्री आइटम्स पे कितना होगा, तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा 10। अब तीनों को क्या करेंगे, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, कितना आ जाएगा, वन प्लस टू, टू प्लस वन थ्री। ठीक है, तो थ्री अपॉन में टेन, तो हमारे उसकी इनकम के टोटल कितने, थ्री आइटम्स पे कितनी खर्च होती है, टोटल नहीं पूछी, टोटल हमें यही नहीं पता उसकी इनकम कितनी है। ठीक है, उसने पूछा सिर्फ ओनली दीज थ्री आइटम्स, तीनों आइटम पे कितनी खर्च होती है उसकी, थ्री अपॉन में टेन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।